हाँ जी, तो आ गए लंका दहन देखने। पहले सुंदरकांड का रिवीजन तो कर लो। तो शुरुआत होती है यहां से। भाई न्यू ज्वाइनिंग है जा। कर दूंगा। अरे भैया हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, है ना? फ्रेंड्स है भैया। तेरे को बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो? और मेरा फोन भी कट कर दिया तुमने। सब ठीक है ना? तुम काम बोलो। क्या मैं तुम्हें सिर्फ काम के लिए फोन करती हूँ क्या? मिस कर रही थी तो मैंने सोचा फोन कर लूँ। अच्छा, सुबह तुम्हारी मिसिंग कहाँ गई थी? जब उस लड़के के साथ बैठ के आइसक्रीम खा रही थी, उसके कंधे पे सिर रख रही थी, उसका मुंह साफ कर रही थी। दो बार फोन किया मैंने तुम्हें, दो बार, तुमने एक बार भी पिक नहीं किया मेरा फोन। तब मेरी याद नहीं आई तुम्हें? तब बात करने का मन नहीं किया? तब मिस नहीं किया तुमने मुझे? लड्डू, तुम मुझसे इतना रूडली बात करोगे अब? मेरी बात सुनो। मुझसे कभी इतना रूडली बात नहीं करी। अरे रो क्यों रही हो? स्कूल फ्रेंड था सिरो, तुम मेरे कैरेक्टर पे शक कर रहे हो ना? सॉरी कान, मेरी बात। अच्छा कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। मैं दो मिनट में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रोना मत करो, पहले रोना नहीं है, आ रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा सुनो। हाँ बोलो। आते हुए ना 1 किलो चीनी लेते आना। हंस क्यों रहे हो? अरे तुम्हें ही बोल रहा हूँ, तुमने भी तो किया है ये काम। ले आऊंगा। क्या चल रहा है? तू बता क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कहाँ जा रहा है तू? मैं अभी दारू पी और छुट्टा घूमने जा रहा हूँ। जा। मैं बता रहा हूँ, लड़की का चक्कर है। हाय। ओह हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऑफिस में हूँ। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक फेवर करोगे? हाँ बोलो। क्या? मना मत करना। हाँ नहीं करूँगा, बोलो। मुझे ना कल दरअसल शॉपिंग पे जाना था, तुम चलोगे? नहीं यार, शॉपिंग पे नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस का वर्कलोड बहुत है। सुशांत प्लीज यार, मेरे साथ कोई भी नहीं है शॉपिंग पे जाने वाला। लग गए 440 वोल्ट छूने से दर। लग गए 440 वोल्ट छूने से। ओके चल पड़ूंगा। जी देखो, वैसे अपना लड़का पूरी शक्ति में था, लेकिन यहाँ ये पिघल गया। ठीक है, I'll see you at 9. दिल अब यारों का। क्या हो गया, बड़ा थका थका सा लग रहा है। हाँ भाई यार, ऑफिस में बहुत काम हो गया। देखा हमने भी तेरा बहुत काम। मतलब ये <थे। laughs>
जीवन में तुम भगवान से भी कोई बात छुपा सकते हो, लेकिन अपने दोस्तों से छुपाने की मत सोचना, साले पकड़ ही लेंगे। मैन्यू यार। भाई अब सुन, बहुत हुआ। मतलब वो तेरा फुद्दू काट रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। भाई जिस बंदे को आज तक मैंने किचन में जाते हुए देखा, आज उस बंदे को राशन की एक-एक रेट लिस्ट याद है। भाई जिस बंदे के पास 20 रुपए नहीं होते थे ना कॉल करने के लिए, आज वो 500-500 रुपए के रिचार्ज करवा रहा है पेटीएम पे, वो भी अनलिमिटेड। और मेरी बात सुन, इस बंदे ने आज तक अपने पापा तक को सॉरी नहीं बोला, ये बंदा एक लड़की को 20-20 बार सॉरी बोल रहा है एक दिन में। यार तुम कुछ भी बोले जा रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं सिर्फ प्यार करता हूँ यार उससे। प्यार? प्यार? एक बात बता मुझे, आज तक उसने तुझे आई लव यू यार बोला है या आई लव यू बोला है? आई लव यू यार। अच्छा ये बता, जब वो तुझे हक करती है तो स्ट्रेट हक करती है या साइड हक करती है? साइड हक। अच्छा एक बात बता मुझे, उसने तुझे फ्लाइंग किस करी है या गाल पे किस करी है? कुछ भी नहीं किया। पक्का फ्रेंड्स भाई, तू क्या करूं यार। भाई हिम्मत जुटा, कल उसके पास जा और बोल दे उसको कि अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए, कि अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए, कि अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए, अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो, अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो, अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो। हाँ बोलो। अगर अरे बोल बोलो सुशांत। अगर तुम अरे बोल, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुन मेरी बात यार, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे मेरी बात तो सुनो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा सुशांत? पहले तुमने सबके सामने मेरे कैरेक्टर पे शक किया, उसके बाद मैं कब से हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी। मैं सोच रही थी अगले महीने हम लोग लिव इन में रहेंगे, पिछले एक महीने से मैं सिर्फ जो तुमने किया है ना, तुमने मुझे बहुत शक्ति। अब इन सब बातों का क्या फायदा? अरे मेरी बात तो सुनो, अबे चुप हो जा यार, मेरी बात सुनो। प्लीज चुप, बात कर रहा हूँ मेरे को। हाँ बोलो बेबी, क्या बोल रही थी तुम? शक्ति मम्मी क्या? उस दिन कुदरत का एक नियम और पता लगा हमको, साला लड़की का आंसू दोस्त की समझाई हुई बात पे एक सेकंड में भारी पड़ जाता है। तुम्हें सिर्फ एक बात बोली है कि मेरा जब भी कोई बॉयफ्रेंड हो, I wish कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, कि मेरा जब भी कोई बॉयफ्रेंड हो, I wish कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे जैसा लड़का भाई क्या होता है तुम्हारे जैसा लड़का? मुझे तो यह समझ नहीं आता कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा मेरे जैसा और कौन होगा। चलो मान लिया कि मिल भी गया, पर 24 घंटे कुत्ता बनके तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाला कहाँ मिलेगा? हेलो, तुम्हें कुछ काम तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हमें क्या काम होगा, हम तो जन्मजात वेले हैं, हमारे माँ बाप ने तो पैदा करके छोड़ दिया कि तुम्हारे जीवन में एक लड़की आएगी, उसके पास जाना, अपना फुद्दू कटवाना और आ जाना। और फुद्दू भी ऐसे नहीं कटेगा, धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज करवाएंगे कि तुम इसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, पर जैसे ही तुम इस बात पे बिलीव होना शुरू होगा तो अचानक से एंट्री होगी ऐसे शख्स की जो पूरी कहानी में था ही नहीं, जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड। और अगर गलती से तुमने इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बोल दिया तो भाई साहब रोना निकल जाता है, और रोना तो लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि रोने के बाद तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचता ना, क्योंकि गलती चाहे किसी की भी हो, सॉरी तो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा ना। और भाई साहब असली फुद्दू कटने का तब पता चलता है जब तुम इनके साथ कहीं बाहर घूमने जाओ और किसी ने अगर गलती से कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो भाई साहब अगले एक मिनट के अंदर अंदर मुंह फाड़ देंगी, नहीं नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड्स भी क्यों बोलती है, ये क्यों नहीं बोल देती कि कुत्ता पाल रखा है।
पता दुनिया के सबसे सुखी लौंडे कौन से हैं जो पूरी शक्ति के साथ सिंगल है? क्योंकि हम जैसे फ्रेंड जोन लौंडों को तो ये भी नहीं पता कि हम सिंगल हैं या कमिटेड, क्योंकि अगर हम सिंगल रहने की ट्राई करते हैं तो तुम्हारे बाबू सोना जैसे वर्ड्स हमारे दिमाग की माँ बहन करते हैं, और अगर हम कमिटेड रहने की ट्राई करते हैं तो मुझे तुम्हें देख के वैसी फीलिंग नहीं आती, फीलिंग की माँ की आगे अगर फीलिंग नहीं आती तो मेरी माँ क्यों बोलती है बाबू सोना? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा फुद्दू कट रहा है, कुछ दोस्त है जो दिन रात बोल रहे हैं कि भाई मत कटवा मत कटवा, तुम्हें खुद अंदर से पता है कि सारा कट तो रहा है, पर तुम साले जाहिले काशा के किरण लिए बैठे हो कि कभी ना कभी ये दोस्ती प्यार में जरूर बदलेगी, अपना कटवाए जा रहे हो कटा कट कटा कट कटा कट अबे हद, बस बहुत हुआ, आई प्राउड टू बी ए सिंगल। तो ऐसे ख़त्म हुआ ये फ्रेंड जोन का पंचनामा, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही केस सॉल्व हुआ है दोस्तों, अभी तो लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं, तो सोच क्या रहे हो, निकालो उन्हें इस दलदल से, अभी अपना फ़ोन निकालो और शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड जोन फ्रेंड्स, किसी का तो बचाओ फुद्दू कटने से। ऑल्सो गाइज कमेंट करके बताओ कि पूरी वीडियो में से सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा लगा, दोनों पार्ट के अंदर सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा, और फैला दो वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें करे बिना मत जाना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले कांड के साथ।